चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट, एम्स, जिपमर इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि नीट के थ्रू, नीट के स्कोर के थ्रू जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है, बाकी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन होता है एम्स के अलावा, और जिपमर में एडमिशन होता है, तो उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एम्स का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि एम्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है, जो नीट के थ्रू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि क्या है एम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूंगी, अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर आप इसको हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, सर्विस बॉन्ड के बारे में जानकारी, इसके अलावा इसमें काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में भी बता रखा है। स्टेट के लिए बुक अलग है, ऑल इंडिया के लिए अलग है, आयुष वेटनरी के लिए अलग है, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, सेंट्रल पूल, कोटा, सभी के बारे में इस बुक में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे, आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो नीट के थ्रू जो सिलेक्शन होता है मेडिकल कॉलेजेस में, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एम्स से डिफरेंट है, मगर जिपमर का सेम ही है। तो एक बार सबसे पहले हम एम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो इसमें जब एम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो इसमें जो इसमें मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट है वो जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए 60% है, एससी एसटी के लिए 50% है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 45% है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एम्स के लिए अलग है। अगर हम एम्स के अलावा नीट की ही अगर हम बात करें, मान लो एम्स की बात नहीं करते हम नीट की ही बात करते हैं, तो नीट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग है। इसमें 50% जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है 50%। इसमें इसके बाद में जो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस है, सॉरी एससी, एसटी और ओबीसी है, उसके लिए 40% रखा गया है इसमें। तो ये अलग अलग इसमें क्राइटेरिया है। अब हम बात करते हैं जिपमर के लिए, तो जिपमर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम ही है। जिपमर का जो नीट का है, नीट के थ्रू बाकी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होता है, वो इसमें सेम ही है। तो एक बार हम कंसोलिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो इसमें पहले नीट और जिपमर के लिए देख लेते हैं। इसमें तो जनरल कैटेगरी के लिए 50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में। इसमें एग्रीगेट चाहिए, मतलब इन तीनों का टोटल ही चाहिए, तो टेकन टुगेदर का मतलब एक साथ, इन तीनों का टोटल 50% होना चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें तो 40% होना चाहिए, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी चाहे किसी भी कैटेगरी का हो उसका 40% होना चाहिए, ये नीट की कंडीशन है। लेकिन एम्स की अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 60% चाहिए इसमें। इसमें एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाता है इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में एग्रीगेट मार्क्स चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 60%, ओबीसी के लिए भी 60%, एससी एसटी के लिए 50% और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 45% इसमें मार्क्स चाहिए, मिनिमम मार्क्स ये परसेंटेज में चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स ही चाहिए। एग्रीगेट का मतलब इन सारे सब्जेक्ट का टोटल। इसके बाद में अगर बात करते हैं, हम काफी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास में इसमें कमेंट्स भी आते हैं कि क्या सर इसमें एडिशनल बायोलॉजी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो एडिशनल बायोलॉजी से पास्ट कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं। तो ये एम्स, जिपमर और नीट के थ्रू जिन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है सभी के लिए एलिजिबल है एडिशनल बायोलॉजी के सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स। ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन हाई कोर्ट का ये क्लियर ऑर्डर है कि ये कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं एडिशनल बायोलॉजी के। इसमें जो नीट के थ्रू एडमिशन होता है इसमें बायोटेक्नोलॉजी के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, नीट के लिए क्या है, एम्स के लिए क्या है, जिपमर के लिए क्या है। बाकी जो बीएससी नर्सिंग, बीडीएस में एडमिशन होता है जो नीट की कंडीशन है वही इसमें होती है। तो ये इसमें जो एज का क्राइटेरिया है सभी में तीनों अथॉरिटी के अंदर 17 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि 31 दिसंबर 2022 को 17 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज का यहाँ कोई लिमिट नहीं है। तो ये जानकारी थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। बाकी जानकारी जैसे ही मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।